ख्वाब ताबीर के तहत ख्वातीन को स्किल डेवलपमेंट की दी जा रही ट्रेनिंग। स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए असेसमेंट कम मेजरमेंट कैंप का किया गया एहतमाम। और खेल कूद को मिल रहा फरोग, श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट कैरम चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के मद्देनजर उनके स्किल डेवलपमेंट की। दूर दराज की ख्वातीन को मरकज में रखकर फौज की जानिब से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया है। ख्वाब ए ताबीर नामी प्रोजेक्ट के तहत बारामूला जिले के बोनियार में एक सेंटर कायम किया गया है। इसके तहत सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन को हुनरमंद बनाने का हदफ रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर ख्वातीन की दिलचस्पी काबिले तारीफ है और वो ट्रेनिंग सेंटर के कायम होने से कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। दूर दराज की ख्वातीन के लिए शुरू ये प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से अहमियत का हामिल है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दूर दराज के इलाके की ख्वातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जा रहे हैं। इसी में से एक है बारामूला जिले के बोनियार में कायम ये ट्रेनिंग सेंटर। विमेन एम्पावरमेंट को फरोग देने के मद्देनजर ख्वाब ताबीर प्रोजेक्ट के तहत इस तरह के सेंटर को कायम किया जा रहा है। ये इसका पायलट प्रोजेक्ट है और इसे आर्मी की जानिब से शुरू किया गया है। मैंने ये 3 महीने के बाद एक कोर्स सीखा है। मैं घर में बेकार थी बैठे, फिर मुझे पता चला यहाँ पर ये इंडियन आर्मी के थ्रू की वजह से यहाँ पर ये काम सिखा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर आई और मुझे ये रोज़गार मिला। अब मैं खुद का काम घर में भी कर सकती हूँ। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इंडियन आर्मी की, जिन्होंने हमें ये यहाँ पर आने का बहुत मौका दिया ताकि हम घर पे भी अब काम कर सकते हैं। अब किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ मैं। घर में खुद से काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से फौज की जानिब से ये अहम कदम है। काबिले जिक्र है कि ख्वाब ताबीर प्रोजेक्ट का मकसद दूर दराज की बच्चियों में स्किल डेवलप करना है। इसके लिए बाकायदा 300 से ज्यादा ख्वातीन को ट्रेन करने का हदफ रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों को ट्रेनिंग देने के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इस तरह से अलग अलग बैच में उन्हें ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया गया है। टेलरिंग का काम सीखने आई थी, हमने 3 महीने कोर्स किया, हमने 3 महीने, हमें मोबिलाइजर के थ्रू हमें पता चला तो हम यहाँ पे आए, हमने सीखा। आज मैं खुद का काम कर सकती हूँ और मैं बनाती भी हूँ कपड़े अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर इंडियन आर्मी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें रोज़गार दिया, उनकी वजह से हमने कुछ सीखा। तो मेरे फ्रेंड्स से मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कुछ सिखा रहे हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने हमें यहाँ पर इतना कुछ सिखाने के लिए दिया। तो फिर मैंने यहाँ पर तिल्ला वर्क सीखा। मैं अभी खुद का काम कर रही हूँ, घर में काम कर रही हूँ। मैं खुद का बिजनेस स्टैंड करना चाहती हूँ ताकि मैं खुद की पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फरोग देना इसका मकसद है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फैशन डिजाइनिंग से लेकर सिलाई कढ़ाई का काम भी शामिल है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद पहुंचाई जाती है ताकि वो इसके जरिए खुद को माली एतबार से मजबूत बना सकें। दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन के लिए ये अहम सहूलत है और इससे मुस्तफीद होने में वो दिलचस्पी दिखा रही हैं। मेरे अंडर एटलीस्ट 20-30 गर्ल्स होंगी जो यहाँ पर काम करती हैं। उनको मैं फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, हर कुछ सिखाती हूँ इधर पे। तो मैंने खुद के डिप्लोमाज लिए हुए हैं इसमें, और ये काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं और कुछ हैं जो एजुकेटेड हैं, वो यहाँ पर आती हैं मेरे पास सीखने के लिए। मैं उन सबको ये ट्रेनिंग दे रही हूँ और इनको 4-5 महीने हो गए मेरे पास सीखते हुए, और ये अब वेल ये हैं इस काम में, अच्छे तरह से ये अच्छी हो चुकी हैं। अब ये खुद अपना काम अच्छे से कर रही हैं, अपने घर पर अच्छे से काम कर रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट के मद्देनजर कई सतह पर इकदामात किए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी में से एक है। मुख्तलिफ इलाकों में इसके लिए सेंटर कायम किए गए हैं।
वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उसे कम पढ़ी लिखी खवातीन भी आसानी से सीख सकें। ये खवातीन सनती तरक्की की स्किल्ड लोगों की जरूरतों को तो पूरा करेंगी, साथ ही उनके पास खुद रोजगार का भी मुतबादिल मुहैया होगा। और अब बात करते हैं माजूर बच्चों को आर्टिफिशियल साजो सामान मुहैया कराने की समत में मुनक्कदा असेसमेंट कम मेजरमेंट प्रोग्राम की। माजूर बच्चे भी आम बच्चों की तरह अपना काम कर सकें, वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए कई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्हें वो तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है जो उनकी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें उनका असेसमेंट किया गया ताकि उन्हें जरूरत के मुताबिक साजो सामान मुहैया कराया जा सके। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सेंट्रल मिडिल स्कूल में स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट और मेजरमेंट कैंप का एहतमाम किया गया। अलग अलग स्कूलों के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। इसमें यहाँ पर माजूर बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनका असेसमेंट चार्ट तैयार किया गया। इस चेकअप कैंप के बाद उन्हें आर्टिफिशियल साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। हमने काफी पहले भी अटेंड किए हैं ये कैंप, तो इनका लोगों को काफी फायदा रहता है, क्योंकि जो दूर दराज से आए हुए हैं गरीब बेचारे, जो अपना प्राइवेट एक सेक्टर में नहीं दिखा सकते हैं, तो जब कैंप लगते हैं उनका काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से जो फायदा मिल रहा है, तो जितने भी लोग आते हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके गौर से देखा जाता है और उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं। इस कैंप का एहतमाम चीफ एजुकेशन अफसर की जानिब से किया गया है। इसे आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मोहाली पंजाब का तावुन भी हासिल है। इसमें अलग अलग जोन के 147 बच्चों का असेसमेंट किया गया है। इसमें 36 बच्चे जिब, 39 बच्चे तिकरी और 72 उधमपुर जोन के थे। इसमें फिजिकली चैलेंज्ड, डेफ एंड डम्ब और दूसरी तरह के स्पेशल नीड्स के बच्चे शामिल थे। पहले उनका चेकअप किया गया और फिर उनकी जरूरतों की लिस्ट तैयार की गई। ये कैंप जो है असेसमेंट कैंप कम मेजरमेंट कैंप है, जो कि समग्र शिक्षा के अंडर अलिमको, जो हमारी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके द्वारा अंडर चीफ एजुकेशन ऑफिस के द्वारा लगाया गया है। ये कैंप उन बच्चों के लिए है जो कि बच्चे, जैसे कि मैंने बोला कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे बोलते सुनते नहीं हैं, जो फिजिकल चैलेंज्ड हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, और जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, तो ये कैंप उन बच्चों के लिए आज हमने लगाया है। माजूर बच्चों की न सिर्फ जरूरतों को पूरा किया जा रहा है बल्कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि समग्र शिक्षा स्कीम के तहत ऐसे बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है। आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 1200 ऐसे बच्चों का प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला हुआ है। ये उन्हें अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में मददगार साबित होने वाला है। ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के इकदाम किए जाने की कुदरती तौर पर दरकार भी है। तो हम काउंसलिंग करते हैं उन बच्चों की कि आप हर तरीके से बाकी बच्चों की तरह हो, आप में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, आपके अंदर बहुत सा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हिडन टैलेंट हो सकता है आपके अंदर, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करते हैं, और जब ये बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे जो हमारे आगे बढ़ जाते हैं, तो इनको जब भी मौका दिया जाए, इन बच्चों को अगर इनकी ज़रूरत का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, इनकी कमज़ोरी जो है वो इनके आड़े ना आए, अगर उस कमज़ोरी का हम थोड़ा सा हेल्प करें, ये जो एड्स देनी है या स्पेशल काउंसलिंग देनी है या उनको कोई स्कॉलरशिप देना है या उनको काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये बच्चे एक्सेल कर सकते हैं स्टडीज़ के अंदर भी और किसी भी फील्ड के अंदर। हर एक बच्चा खास होता है, उसमें तमाम तरह की खूबियां मौजूद होती हैं। उनकी खूबियों को फरोग दिए जाने की दरकार होती है। स्पेशल नीड्स के बच्चे भी अलग नहीं हैं। अगर उनका सही तरीके से ख्याल रखा जाएगा, उन्हें आम बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा, तो वो
बेहतर नतीजे देने की सलाहियत रखते हैं। इंतजामिया इस बात को लेकर कोशा है और इसके लिए वो तमाम इकदामात किए जा रहे हैं जो उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने में मददगार साबित होंगे। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। लाइट के रिफ्लेक्शन से थ्री डायमेंशनल विजुअल इफेक्ट को पैदा करने की होलोग्राम तकनीक से दुनिया वाकिफ है। होलोग्राफिक इमेज तीन डायमेंशन में चलती है और उसके हर एक हिस्से के परत दर परत खोल देती है, मगर अब इसमें नए तजुर्बे के तौर पर मेटावर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है और ये दुनिया का ध्यान अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। काबिले जिक्र है कि कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर टचिंग कंट्रोल को कम से कमतर करने की कोशिशें जारी हैं और इसी समत में ग्राफिक इमेज और रियल इमेज को जोड़कर लोगों के सामने इसे पेश करने में मदद मिलेगी। ये मोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है और ये ह्यूमन मूवमेंट को पर्सनिफाइज करता है। हाल के बरसों में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। मुख्तलिफ मकसदों को पूरा करने में ये कारगर साबित हो रहा है, फिर बात चाहे लॉजिस्टिक्स की हो या डिजास्टर रिस्पांस की या रिमोट एरिया मॉनिटरिंग की। इसकी बढ़ रही जरूरतों को ध्यान में रखकर इसमें नए नए तजुर्बे पर गौर किया जा रहा है। इस साल के आखिर तक जापान में लेवल 4 सिस्टम की पैदावार शुरू हो जाएगी। लेवल 4 सिस्टम की मदद से दूर दराज के इलाकों में नजर रखी जा सकेगी, लिहाजा इसमें टेली कम्युनिकेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट कंपनियां दाखिल हो रही हैं। KDDI उसमें सबसे अहम है। इसकी सब्सिडरी स्मार्ट ड्रोन कॉरपोरेशन ऐसा ड्रोन बना रही है जो रिमोट एरिया में भी काम कर सकेगा। इससे कम वक्त में उस जगह के इंस्पेक्शन के साथ ही कॉस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से भी मुफीद साबित होगा। ऑयल रिफाइनिंग एंड ऑयल केमिकल कंपनी हिडेमित्सु कोसन कार्बन न्यूट्रल 2050 प्रोग्राम पर गौर करते हुए अपने इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रही है। हिडेमित्सु फुकुयामा कॉम्प्लेक्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कई चैलेंजेस हैं। उनमें से एक है अमोनिया फ्यूल जो CO2 एमिशन नहीं करता है। इसके लिए सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, इसे स्टोर करने और चलाने के साथ साथ कस्टमर को सप्लाई करने पर भी गौर किया जा रहा है। साथ ही फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इको फ्रेंडली होने की वजह से इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करने की ताकीद भी की जा रही है। टोकुयामा कॉम्प्लेक्स एनर्जी और केमिकल सप्लाई के अलावा सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरा करने के मामले में हमेशा से कोशा रहा है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग तशवीश का बाइस बना हुआ है। जापान में वैसे भी गर्मी का मौसम बर्दाश्त से बाहर होता है, ताहम इससे राहत पाने के लिए टोक्यो में किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं इसी की अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इससे बचाव के लिए जगह जगह स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ कंपनियां नई नई तकनीकों को डेवलप कर रही हैं। उन्हीं में से एक है यहाँ पर पहने जाने वाले कपड़े। इसमें फैशन के साथ साथ गर्मी से बचने का तरीका भी डेवलप किया गया है। आम सूट जैकेट से दिखने वाले इन कपड़ों के बैक में दो पंखे लगाए गए हैं। ये एक स्पेशल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें जाइलिटोल जैसे कोल्ड एलिमेंट्स होते हैं। मुश्किलों का हल निकालने में जापान की टेक्नोलॉजी का कोई सानी नहीं है।
और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों की इंडिपेंडेंस डे को लेकर चल रही तैयारियों की। अलग अलग स्कूली बच्चों के पाइप बैंड को परेड में शामिल होने का मौका मिले, इसके लिए बेस्ट का इंतखाब किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में इंटर स्कूल पाइप बैंड कॉम्पिटिशन का एहतमाम किया गया। हुवल वतनी से लबरेज बैंड को इसमें अपनी इस सलाहियत को पेश करने का मौका मिला। इस कंपटीशन को लेकर बच्चों का जोश और खरोश देखते ही बन रहा था। श्रीनगर में मुनक्कदा इंटर स्कूल पाइप बैंड कंपटीशन के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये धुन सुनी सुनाई लगती है। हुब्बुल वतनी से लबरेज इन धुनों को आमतौर पर इंडिपेंडेंस डे पर बजाया जाता है। इसे सुनना और बजाना एक अलग ही तरह के फख्र का एहसास कराता है। इंडिपेंडेंस डे की तारीख नजदीक आने के साथ ही इसे लेकर हर सतह पर तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर तालिबे इल्मों को भी अपने बैंड को पेश करने का मौका फराहम हो, इसके लिए इस इंटर स्कूल पाइप बैंड कंपटीशन का एहतमाम किया गया है। ये हमारा जो 15 अगस्त का परेड होने वाला है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने ये जो मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, हमने इसमें हिस्सा लिया और हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा करेंगे। अच्छा किया हमने, तो अब देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा। इस बैंड में, ये हमारा जो बैंड है, ये एक ब्रास बैंड है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब लार्ज अमाउंट का बच्चा है इसमें। हम यहाँ ऑडियंस बन के आए अपने स्कूल को सपोर्ट करने के लिए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल को कि हमें इतना बड़ा मौका मिला इस इवेंट में आने के लिए। और हम अपने बैंड मास्टर को भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ और हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है इस दिन को कामयाब बनाने के लिए। और हमें यही उम्मीद है कि हमारा बैंड जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बैंड ने बहुत मेहनत की है और हमारा बहुत अच्छा गया है। अपनी इस फनी सलाहियत को मंजरेआम पर लाने और लोगों की तवज्जो हासिल करने का इन बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका था, लिहाजा इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के दर्जन भर बैंडों ने शिरकत की। इंडोर खेल कूद के लिए कायम इस स्टेडियम का नज़ारा गुज़िश्ता दिनों अलग अलग पाइप बैंडों की धुनों से गुलजार रहा। बच्चों ने फौज की ही तरह इसे इस तरह से पेश किया मानो वो लंबे वक्त से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हों। बच्चों के लिए यह मौका बेहद ही खास साबित हुआ। हैव स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ये बैंड हमने शुरू किए ताकि कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाए और हम अपने आप को अपने बच्चों को बिगर प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उनका एक्सपोजर हो जाएगा और ये जो जमूद है, लल है, उसको ओवरकम करना है और इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना है सो दैट दे आर एबल टू कम्पीट एट ए नेशनल एंड इवन एट इंटरनेशनल लेवल। वी विल सिलेक्ट 3 बेस्ट बैंड्स, उनको 15 अगस्त पे हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस है उनको हमें 15 अगस्त पे मेन फंक्शन में उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। श्रीनगर में वाकई स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस पाइप बैंड कंपटीशन का अहतमाम फौज और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से किया गया। इसमें मुख्तलिफ बैंडों के बीच कंपटीशन के बाद 3 बैंडों को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। इससे बच्चों का खुद पर एतमाद बढ़ेगा और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा होगा। ये मौका मिलना कुदरती तौर पर किसी भी बैंड के लिए खुशकिस्मती की बात है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर की अक्सा गुलजार ने वर्ल्ड पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप में मचाया धमाल। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्हें और उनके कोच को लोग दे रहे हैं मुबारकबाद। इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले में मेडल जीतकर उन्होंने मुल्क का नाम किया है रोशन। जम्मू में अपनी तरह के पहले म्यूजिकल फाउंटेन को किया गया है कायम। लोगों का कहना है कि ये जम्मू शहर की हो रही तरक्की की मिसाल है। जम्मू तरक्की की राह में लगातार आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दिनों गुरा ब्राह्मण ईस्ट के कम्युनिटी हॉल में जम्मू एम्प्लॉयमेंट मेले का किया गया एहतमाम। एक रोजा इस मेले में कसीर तादाद में नौजवान रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की सिमत में ये है अहम कदम।
मशहूर निशानेबाज और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में कई मेडल जीत चुके चैन सिंह डोडा जिले के बाशिंदे हैं। गुज़िश्ता दिनों संसद भवन में मरकजी वजीर से उन्होंने मुलाकात की, नेटिव विलेज से मुतालिक मुद्दों पर उनसे चर्चा की। बारामूला पुलिस की जानिब से मुनक्किदा भारत दर्शन टूर प्रोग्राम में शामिल 75 तालिब इल्मों के लिए रिसेप्शन कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बारामूला के SSP के साथ मुलाकात के दौरान तालिब इल्मों ने उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। गुज़िश्ता दिनों बडगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DDA के तावुन से JKB RSETI की जानिब से दूध पथरी में मुनक्किदा टूरिज्म एंड ट्रैवल गाइड के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनी प्रोग्राम के 35 ट्रेनी नौजवानों को सम्मानित किया गया। इसके लिए बाकायदा एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के मनीगाम में वाकई PTC ग्राउंड में पुलिस कांस्टेबल के 15वें बैच की पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पासिंग आउट ट्रेनी के मार्च पास्ट की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। LG और DGP ने पास आउट ट्रेनी और उनके कुनबों को बधाई दी। और अब बात करते हैं गैजेट की। मोटोरोला नए नए स्मार्टफोन को बाजार में पेश कर रहा है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों उसने मोटो G42 को मुल्की सतह पर लॉन्च किया। तमाम तरह के फीचर से लैस इसे बजटीय स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया गया है। आइए इसके अहम फीचर्स पर डालते हैं एक नजर। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 OS पर काम करता है। इस बजटीय स्मार्टफोन में खास तौर से FHD+ AMOLED डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्ट किया गया है। 6.4 इंच वाले इस फोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं इसकी ब्राइटनेस 700 निट्स है। अटेंटिव डिस्प्ले फीचर इसमें दिया गया है। इसका फायदा यह है कि जब तक फोन का इस्तेमाल होता है तब तक स्क्रीन ऑफ नहीं होती है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो टाइप सी पोर्ट के साथ 20 टर्बो चार्जर को सपोर्ट करती है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50 MP का है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बच्चों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। तमाम तरह के खेलों में से एक है कैरम। इसकी मकबूलियत उतनी भले ही नहीं है, लेकिन ये बेहद ही दिलचस्प खेल है। बेहद ही बारीक तरीके से खेले जाने वाले इस खेल को प्रोफेशनली प्रमोशन मिले, इसके लिए मुख्तलिफ लेवल पर इसके चैंपियनशिप का एहतमाम किया जाता है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट लेवल कैरम चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने उम्दा खेल हुनर का मुजाहिरा किया। बच्चों के खेलकूद से मुतालिक टैलेंट को मंजरे आम पर लाए जाने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कैरम बोर्ड पर पीली और काली रंग की गोटियों के साथ लाल रंग की एक गोटी, बोर्ड के चारों तरफ बैठे खिलाड़ी इस पर नजर टिकाकर स्ट्राइकर को ठीक करते हुए। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैरम चैंपियनशिप मुकाबले की। मुख्तलिफ खेल कूदों की तरह इस खेल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों को अगले लेवल के मुकाबले में मौका फराहम कराने के मद्देनजर इसका एहतमाम किया गया है। श्रीनगर कैरम चैंपियनशिप चल रही है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कैरम एसोसिएशन विद जम्मू एंड कश्मीर कैरम एसोसिएशन। इसमें हमने अराउंड 120 एंट्रीज ले हुई है बच्चों से ऑल ओवर द श्रीनगर, और 7 से 8 स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। और जो ये इवेंट है ये 3-4 कैटेगरीज में है। अंडर 12 कैडेट आता है, अंडर 14 है वो सब जूनियर है, और इसके बाद हमारा अंडर 18 है जूनियर, और उसके बाद अबो 18 दैट इज कॉल्ड सीनियर। वो तीनों कैटेगरीज, चारों कैटेगरीज में हम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन बोथ सेक्शन, मैन एज वेल एज वुमेन प्लेयर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन की जानिब से इसका एहतमाम किया गया। इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी शामिल हैं। कुल मिलाकर 120 खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की। स्पोर्ट्स काउंसिल के तावुन से इसे तमाम जिलों में मुनक्किद किया जाएगा और इसमें बेहतर नतीजे देने वाले खिलाड़ियों को
यूनियन टेरिटरी लेवल के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस चैंपियनशिप के अहतमाम से खिलाड़ी बेहद खुश हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है अभी यहाँ पे, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी गेम है, हर किसी गर्ल को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जेके कैरम एसोसिएशन से हो रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए हर किसी को। इससे पहले भी हमने कॉलेज में भी खेला है तो वहाँ पे भी मैंने जीता, तो यहाँ पे भी अभी हमारा मैच नहीं हुआ, अभी हो रहा है सब जूनियर का, इसके बाद हमारा होगा। आम खेल से दिखने वाले इस खेल को बैनुल अक्वामी मुल्कों में भी खेला जाता है। साल 1988 में चेन्नई में इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन बनाया गया और मुल्की सतह के रूल्स को भी उसी बरस पब्लिश्ड किया गया। मौजूदा वक्त में ये साउथ एशिया और अरबिया, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन शामिल हैं, इन ममालिक में इसे खूब खेला जाता है। मुल्की सतह पर इसकी चैंपियनशिप का एहतमाम होता है और इसमें अलग अलग इलाकों के बेहतरीन खिलाड़ी शरीक होते हैं। टू टाइम्स नेशनल खेला एंड फाइव टाइम्स स्टेट विनर हूँ, तो मतलब बस कैरम ही खेलते हैं। कैरम का इस साल मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले नहीं देखा जाता था, मतलब कैरम की ओर बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आजकल लास्ट ईयर इस साल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पीपल, मतलब लोग आ रहे हैं अच्छे से और टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, मतलब अच्छा खासा मतलब आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। कोई भी खेल आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसे प्रोफेशनल तरीके से सीखा और खेला जाए। तमाम खेल कूदों की तरह ये बेहद ही कॉन्सेंट्रेशन वाला गेम है, इसमें हल्की सी चूक भी खिलाड़ियों पर भारी पड़ जाती है, लिहाजा इसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला गेम भी माना जाता है। इसमें दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया हों, इसकी दरकार है। मुस्तकबिल में भी इस तरह की चैंपियनशिप का एहतमाम खिलाड़ियों के हौसले को तो बढ़ाएगा ही, इसकी मकबूलियत को भी बढ़ाने वाला साबित होगा। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट? आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से